भाई साइमन भी एक नंबर का नमूना है भाई ये वाली गाड़ी मैंने उसे आज से एक हफ्ते पहले ही रिपेयर करने के लिए दी थी एक्चुअली में गए ये जो लेबोगनी उर्स देख रहे हो ये एकदम ब्रांड न्यू लेम्बोगनीस है और इस पे यार बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए थे तुम लोग तो मेरी ड्राइविंग के बारे में जानते ही हो भाई तो मैंने साइमन को एक हफ्ते पहले रिपेयर करवाने के लिए दी थी और भाई जो साइमन है उसने पूरे के पूरे एक हफ्ते लगा तो दिए वो तो कोई नहीं लेकिन किसी और बंदे की भी लैम्बोगनी उर्स रिपेयर होने

भी हो ही नहीं सकता है कि मेरी गाड़ी पे स्क्रैचेस ना आए जो भी हो ओ, बहुत थक चुका हूँ तो की फिर बहुत दूर उस बंदे काम बदली ओ, दिमाग खराब हो गया ऐसे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो पिंचन, और चौप बा कुछ नहीं बस ऐसे ही अरे हाँ यार बस ऐसे ही बातें कर रहे थे ऐसे तुम्हारी लैम्बोर्गिनी उर्स बदल गई क्या हाँ भाई बदल गई कैसे बदलवाई यार तुमने देख भाई जो उस बंदे की लिए मोगनी थी वो तो मैंने टो वैन से भेज दी उसके घर क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था यार क्योंकि तुम लोगों को पता है भाई मेरी ड्राइविंग मैं अगर उसकी लेके जाता तो उसको फिर रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ जाती इसलिए मैंने टो वैन के जरिए भेज दी और खुद टैक्सी से गया उसके घर और अपनी उर्स लेके आ गया शांति से बात खत्म मैं जा रहा हूँ सोने के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरे को अरे क्यों यार कुछ ज्यादा ही थक गए क्या हाँ भाई कुछ ज्यादा ही थक गए अरे आओ ना यार हमारे संग कुछ स्पेस वगैरह वाली बातें

भाई लॉस एंटोस वाले तो सीधे रिस्क लेने के लिए रेडी है भाई साइंटिस्ट बहुत खतरनाक है यार लॉस एंटोस के तुम लोगों को पता ही है भाई उड़ने वाली गाड़ी और उड़ने वाली बाइक तो बना भी दी इन लोगों ने जो हम लोगों ने चुरा भी ली आ, लेकिन रॉकेट के बारे में तो पहली बार सुना मैंने भाई साहब आए यार वो लोग भेजने वाले हैं और ये सीधे मून पे जाएगा सीधे मून पे सीधे चांद पे अरे बिल्कुल ये तो बहुत ही बढ़िया बात है लेकिन जब होगा तब देखेंगे भाई मून पे जाता है या फिर मार्स पे जाता है मैं तो चला भाई अभी सोने के लिए अरे कुछ ज्यादा ही थक गए हो क्या बे हाँ भाई तीन घंटे तक टैक्सी के अंदर कोई बंदा बैठेगा तो थकेगा नहीं वो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए मेरे को डिस्टर्ब मत करना बिल्कुल भी गलती से भी अरे ठीक है यार ठीक है Let's go guys. Oh, मैं तो चला सोने तो फ्रेंकलिन यहाँ पर सारे के सारे साइंटिस्ट तुम्हें ऑल द बेस्ट कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं सर मेरा स्पेस सूट कहाँ है स्पेस सूट बस तुम्हारा रेडी होने वाला है और तुम्हें ऑल द बेस्ट फ्रैंकलिन डरना मत किसी भी चीज से नहीं नहीं मैं, मैं नहीं डरूंगा और ये जो पीछे की तरफ तुम अपना जेट देख पा रहे हो ये जेट जो है स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि ये शांति से प्यार भरी लैंडिंग कर सके मून पर सर वो तो आपने अच्छी तरीके से मेरे को समझाया फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ तो देखो सबसे पहले इसको लेकर तुम अर्थ की सरफेस से बाहर निकलोगे उसके बाद तुम स्पेस में पहुंचोगे वो तो सर बताया आपने मेरे को फिर भी सुन लो तो स्पेस में पहुंचने के बाद इसकी जो स्पीड है वो काफी अच्छी हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे करके तुम चांद के करीब बढ़ते चले जाओगे और लगभग दस दिनों के अंदर पहुंच जाओगे तुम मून की सरफेस पर तुम्हें कुछ नहीं करना है मून पर ये इजिली अपने आप ही लैंड कर लेगा और अगर नहीं हुआ तो कर लेगा टेंशन मत करो अब मान लो सर इधर उधर निकल लिया ये तब भी कंट्रोल ना करूं मैं नहीं उसके अंदर हम लोगों ने सारी प्रोग्रामिंग कर दी है वो अपने आप ही मून पर तुम्हें ले जाएगा और वहां पर शांति से लैंडिंग करेगा तुम्हें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है ठीक है सर ठीक है जैसा आप कहो ध्यान रखना फ्रैंकलिन, गलती से भी कुछ भी गड़बड़ मत करना इसके अंदर ठीक है सर ठीक है लेकिन मेरे स्पेस सूट कहा है स्पेस सूट तुम्हारा रेडी हो रहा है मेरी इंस्ट्रक्शंस तो सुन लो ढंग से अरे सर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ जो कि अपना काम बखूबी करेंगे तुम्हें कुछ नहीं करना है बस शांति से बैठे रहना है जब तक तुम मून पर ना पहुंच जाओ और अंदर हम लोगों ने एक रोवर भी रखा है छोटा सा ताकि तुम मून पर जाकर उस रोवर को चला सको और मून पर कुछ भी नॉलेज इकट्ठी कर सको ठीक है सर ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगा कुछ भी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव कुछ भी चीज लगे तुम्हें कैप्चर करना है अपने कैमरे के अंदर और बहुत सारी चीजों के बारे में तुम्हें पहले ही बताया गया है वो सारी चीजें तुम्हें करनी है ठीक है सर समझ गया समझ गया मैं ओके रोवर चलाना आता है अरे आता है सर कैसी बात कर रहे हो सब सीख लिया है मैंने ओके अब स्पेस सूट स्पेस सूट तुम्हें मिल जाएगा एयरपोर्ट के कैबिन में वहां पर जाओ और पहन कर आओ ओके ओके लेट्स गो गाइस बारी है स्पेस सूट पहनने की और मैं जा रहा हूं भाई आज चांद पे मतलब आज तो नहीं फिलहाल दस दिन बाद पहुंचूंगा मैं चांद पर और भाई मजा आने वाला है लिटरली में मजा आने वाला है मजा आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है लेट्स गो भाई चलते हैं फटाफट से और स्पेस सूट पहनकर आते हैं एस्ट्रोनोट्स वाला फिलहाल तो गाइस तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो यार आज मैं स्पेस में जाने वाला हूँ ये वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं किया है तो और कमेंट में बताओ भाई, क्या लगता है मैं मून पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं अगर तुम लोगों को लगता है ये तो ये लिखो अगर लगता है कि नहीं तो नो लिखो भाई मेरे को तो लग रहा है मैं पहुंच जाऊंगा कुछ भी करना शांति से अंदर बैठना ही तो है लेट्स गो स्पेस सूट पहन के आता ओके गाइस okay, तो यहां पर स्पेस सूट पहन कर तो आ गया भाई बहुत ही अजीब लग रहा है यार सीरियसली मैं भाई बहुत ही कंजेस्टेड सा फील हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं चलते हैं अभी फटाफट हम लोग मैं तो यहीं से स्पेस सूट पहन के जा रहा हूँ भाई ओके ओके जल्दी जल्दी हेलो सर कैसा लग रहा हूँ अपने तो चांद पे जाता है ये हमने स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन करवाया है इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये काफी फास्ट भी है अच्छा ओ लिटरली मैं इसके अंदर चार चार बूस्टर गाइस ये देखो पीछे की तरफ ये देखो भाई चार चार बूस्टर तो फ्रैंकलिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो ना नहीं नहीं सर मैं कुछ नहीं कर रही अपने आप ही हो रहा है जो भी हो रहा है ऑल द बेस्ट फ्रैंकलिन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ऑल द बेस्ट फ्रैंकलिन ओके गाइस तो यहाँ पर भाई टेक ऑफ कर लिया है ओ भाई ये तो प्लेन है लेकिन रॉकेट की तरह जा रहा है बिल्कुल सीधा ओ नाइस गाइस ये देखो भाई तुम लोग लिटरली में बिल्कुल सीधा है ये अरे ये तो बहुत ही अलग चीज़ प्रोवाइड किया भाई लॉस सेंटोस के साइंटिस्ट ने यार मैं तो सोच रहा था यार सिर्फ रॉकेट ही जाते स्पेस में इन लोगों ने पूरा एक प्लेन बनाया जो स्पेस की तरफ जाएगा और मून पर प्यारी सी लैंडिंग भी करवाएगा देखते हैं गैस मैं मून पर पहुंच पाता हूं कि नहीं फिलहाल दस दिन लगने वाले हैं तो मिलता हूँ मैं तुम लोगों से गैस डायरेक्टली दस दिन बाद यार मून पे पहुँचने के बाद गुड बाय भाई साइंटिस्टों ने तो दस दिन का बोला था और यहाँ पर गैस टोटल छः महीने बीत चुके हैं मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है भाई क्या ड्रामा हुआ है मैंने तब से कोई छेड़खानी नहीं की और अब फाइनली भाई हम लोग चांद पर पहुंचने वाले हैं लेकिन छः महीने बाद भाई दस दिन में पहुंचना था यार छह महीने क्यों लग गए पता नहीं बट मैं तो भाई अंदर बैठे बैठे खाता रह गया छह महीने तक खाना था ही बहुत सारा इतने बड़े प्लेन में मैं अकेला जा रहा हूँ तो खाना तो ऑब्वियसली होगा ही गए बट फिर भी मेरे को अभी तक एक चीज समझ में नहीं आई कि भाई चांद पे मुझे यार मून पे दस दिन के अंदर पहुंचना था और यहाँ पर छह महीने क्यों लगा दिए इस प्लेन ने पर जो भी हो यहाँ पर फाइनली लैंडिंग हो चुकी है गायस अपनी मून पे और मैं बनूंगा लॉस सेंटोस का पहला बंदा जो कि मून पे लैंड करेगा और मून पर पहला कदम रखेगा चलो भाई उतर चुका हूँ मैं जो मून पे पहला कदम रखेगा मैं वो बंदा बन चुका हूँ गाइज पूरे के पूरे लॉस सेंटोस में कोई भी नहीं गया मून पे और मैं फाइनली पहुंच गया लेकिन भाई छह महीने क्यों लग गए दस दिन में पहुंचने वाला था मैं सीरियसली में कुछ तो गड़बड़ बनाया है भाई इन लोगों ने वैसे भी स्पेस शटल से लोग पहुंचते हैं दस बारह दिन में या फिर जितने भी दिन में चांद पे पहुंचना होता है दस दिन में प्लेन से कौन पहुंचता है भाई प्लेन ही तो है ये एक तरीके का तुम लोग एक बार खुद देखो भाई इसकी अजीब अजीबो गरीब सी चोच है अजीब अजीबो गरीब से विंग्स है जो भी है भाई भले ही चार चार बूस्टर लगे हों लेकिन है तो बिल्कुल प्लेन जैसा ही खैर जो भी हो गए छ महीने लगे तो लगे लेकिन फाइनली एटलीस्ट हम लोग पहुंच तो गए और एक सेकेंड जिसके लिए मून इतना फेमस है ज़रा वो तो ट्राई करूँ मैं अरे भाई ग्रेविटी गाइज लेट्स को अभी तो नॉर्मली गिर रहा हूँ मैं उड़ क्यों नहीं रहा मैं ग्रेविटी नहीं होगी ना भाई मतलब मून की ग्रेविटी तो कम ही होती है ना भाई ओके ओ नाइस 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 फाइनली फाइनली कुछ तो फर्क पड़ रहा है गाइज अरे वाह भाई यहाँ तो गिरने पे चोट चोट तो लगी मेरे को अरे कैसा है भाई ये सिस्टम यहाँ का मून का और इतना अंधेरा क्यों है भाई मून पे

नाइस nice, रुक जा, रुक जाओ जाओ थोड़ी और दूर चलते हैं ओके okay, ओके okay, कोई ऊपर वाली जगह नहीं हाँ प्लेन के ऊपर चढ़ के रुक जाओ छलांग मारता हूँ मून की ओके okay, नाइस nice, पर चलते हैं इसके ऊपर ओके okay, आ गया अब यहाँ से छलांग मारते हैं देखते हैं कितनी दूर जाता हूँ मैं ग्रेविटी के हेल्प से अरे ये कैसी छलांग मारी यार मैंने एक सेकेंड गाइस मून पर आए हैं थोड़े मजे तो करेंगे ही वरना फायदा क्या होगा मून पे आने का चलो 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 ओके ओ नाइस चोट तो उतनी नहीं लग रही फिर भी लग रही है भाई मून की ग्रेविटी और कम होनी चाहिए तो थोड़ी सी ही कम है ज़्यादा कम नहीं है गाइज़ अ छोड़ो मैं अपना वो निकालता हूँ भाई रोवर रोवर से ट्राई करते हैं मून के ऊपर जाने का मतलब चलने का ओ ओ ओ, ओ। ग्रेविटी कभी कभी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है कभी कभी अजीब गरीब हो जा रही है रोवर निकालते हैं ओके तो यहाँ पर मैंने भाई अपना रोवर तो निकाल लिया है यार मून पे अरे वाह भाई सही चल रहा है यार रोवर तो ऐसा कुछ खतरनाक से एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई मैंने लिटरली मैं तो एपिक चल रहा है यार देखो गए जी वाला रोवर भेजा है इन लोगों ने मेरे संग थोड़ा ढंग का नहीं भेजना चाहिए था यार ग्रेविटी हेलो यार ग्रेविटी का मज़ा नहीं आ रहा मेरे को इधर पता नहीं मून की ग्रेविटी को क्या हो गया और कम होनी चाहिए भाई बंदे उड़ते हैं वन सिक्स तो हो जाता है लेकिन ये देखो कुछ हो ही नहीं रहा थोड़ी बहुत गाड़ी उड़ तो रही है ग्रेविटी का है फर्क बट उतना नहीं है जितना मैंने सोचा था ये एक्सपेक्ट किया था थोड़ा बहुत है अब जैसे इस वाली गाड़ी को मैं कहीं क्लिफ से जंप करवाऊँ तो ये देखो क्या मस्त ये देखो ग्रेविटी बहुत कम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा देर तक ये जो रोवर है हवा में फ्लोट कर रहा है बट उतनी भी देर नहीं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था बाकी इसके अंदर लाइट्स भी ओ भाई लाइट भी है यार अरे वाह ये तो बढ़िया चीज़ है लेट्स एक्सप्लोर द मून अरे यार वैसे स्पेस में मेरे को अर्थ क्यों नहीं नजर आ रही है क्या सीन है यार स्पेस में बादल छा रखे हैं सच में ऐसा ही लग रहा है मेरे को ओए ओए उड़ गई फिर से उड़ गई ये ओके आगे की तरफ चलते हैं अगेन भाई मजा आ रहा है मेरे को तो ये रोवर वोवर चलाने में मून पे पहुंच के ओके अरे थोड़ा सा दिक्कत तो हो रही है यार इस ग्रेविटी की वजह से ढंग से गाड़ी चल नहीं पा रही है एक बार ऐसे उछल जाती है तो कुछ ज्यादा ही फ्लोट करने लग जाती है चलो आ गया मैं ओके कोई और मिलेगा मेरे को यहाँ पे अरे कोई और कहाँ से मिलेगा मैं ही तो पहला बंदा हूँ यार जो यहाँ पे मून पे पहुंचा हूँ लेकिन मून तो यार वाइट कलर की डस्ट सैंड जो भी है वाइट होता है ये सब ऑरेंज एंड रेड टाइप का क्यों है मून रेड कब से हो गया और वो क्या सीन है वेट ये क्या है वॉट मून पे मून मु, मु, पे घर अबे साइंटिस्ट ने ही बनवाया क्या लेकिन मून पे तो मैं ही आया हूँ ये सब किसने बनवा दिया भाई आई हैव नो आइडिया और रोड भी तो है अभी ये चीज़ तो मैंने अभी तक गैस ही नहीं की और एक सेकेंड वहां पर कुछ और भी है गाइज एक सेकेंड एक सेकेंड वेट, वेट 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 लेट मी गो देयर लेट मी चेक दिस भाई यहाँ पर तो काफ़ी सारी स्पेस शटल वगैरह ऑलरेडी पड़े हुए हैं इन सब का मतलब क्या है हैं ये सारे कहीं वो स्पेस शटल तो नहीं है जो मिशन फेल हो जाते हैं ये यहाँ पर आके गिरे पड़े हैं पता नहीं भाई लेकिन देखो बहुत सारे हैं यहाँ पर सीरियसली में बहुत सारे हैं अरे क्या ये मून पे पहाड़ भी है एक तो वो देखो पहाड़ ऊंचा सा भाई ये तो अनएक्सपेक्टेड uh, चीज हो रही है मेरे संग लिटरली में मून पे आके और मेरी गाड़ी कितनी मस्त उड़ रही है मतलब गाड़ी नहीं रोवर क्या मस्त उड़ रहा है भाई ये और ये लिटरली में मेरे को कुछ आइडिया नहीं है भाई ये कैसा प्लेन कैसा स्पेस शटल कैसे रॉकेट यहाँ पर सब पड़े हुए हैं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर मून पे जिस गड़बड़ के बारे में मेर को नहीं पता चल पा रहा है एक काम करते हैं जरा इस पहाड़ के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं लेट सी गाइस क्या है ऊपर की तरफ वैसे भी अपना रोवर है ही मस्त चल एकदम मस्त तरीके से रहा है वैसे अभी भी मेरे को एक बात तो समझ नहीं आई भाई कि मेयर को यहाँ तक आने में दस दिन की बजाय छ महीने क्यों लगे छ महीने तो मैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊँ स्पेस में दस दिन में पहुंचना था दस दिन का मिशन था छह महीने लग गए मैंने तो कुछ किया भी नहीं सब कुछ ऑटोमेटिकली उस रॉकेट प्लेन ने जो भी किया है सब कुछ ऑटोमेटिकली ही किया है चलो इस पहाड़ के ऊपर चलते हैं भाई इसको देख के माउंट चलेआट की याद आ रहा है मेरे को बिल्कुल वैसा ही है वैसा तो नहीं है माउंट चिल्लाट तो एकदम हरा भरा हरियाली से भरा और जानवर वगैरह घूमते रहते हैं यहाँ देखो मैं अकेला ही बस ये रोवर चला रहा हूँ इस माउंटेन के ऊपर एड्स को गए इसके टॉप पर पहुँचने की कोशिश करते हैं और वहाँ से दिखते हैं वहाँ से और क्लियर व्यू मिलेगा इस मून का नाइस nice, ओके okay. एक और बार ऊपर की तरफ चलते हैं एक एक चीज़ तो सही है भाई ये पहाड़ वहाड़ पे जाने में मान लो मैं पहाड़ की क्लिफ से गिर गया तो कुछ दिक्कत नहीं होगी भाई मैं उड़ता हुआ ही नीचे आऊंगा <laughs> ये बढ़िया चीज़ है अरे चढ़ा क्यों नहीं मैं ऊन के ऊंचे वाले पहाड़ के टॉप से मैंने यहाँ पर जंप लगा दिया इससे भी ऊंचा पहाड़ है भाई उधर ये तो कुछ नहीं है उसके सामने वो देखो तो उधर चलते हैं फिर ऐसे रोड किसने बनवा दिए इधर मून पे क्या सीन चालू है ये ओके इस पहाड़ की तरफ फाइनली पहुंचने वाला ओ, टनल वेट वॉट टनल टनल कहाँ से इस पहाड़ के अंदर कोई टनल क्या कर रही है हेलो ओ भाई सीरियसली मैं यहाँ पर यहाँ पर माउंटेन के अंदर एक सीक्रेट सी टनल बनाई गई है और है ये टनल कहाँ लेके जा रही है मैं तो जा रहा हूँ इसके थ्रू मेरे को नहीं पता कहाँ लेके जा रही है टनल वापस से बाहर आई no सब किसने करवा रखा भाई हो क्या चल रहा है ये मून पे है सच में मून पे क्या चालू है किधर आ गया मैं अरे किधर जा रहा हूँ मैं ओके इधर से एक रास्ता तो है फॉलो करते हैं इस रास्ते को ओके लेट्स को शांति से बहुत ही अजीब फील हो रहा है गाइज कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मून पे मैं ऐसे ऐसे सीक्रेट टनल ढूंढूंगा मैं तो मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम सोचा था कि भाई मस्त जंप लगाऊंगा लो ग्रेविटी में जीरो ग्रेविटी में लेकिन ये देखो क्या ही सीन हो रहा है मेरे संग ओके तो यहाँ से लेफ्ट चलते हैं और ये तो एकदम ही भूल भुलैया सी बना रखी है अब ये कहाँ आ गया मैं वापस घूम के वहीं पे आई हैव नो इडिया मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मैं तो किसी मून के मतलब किसी मून के क्या मून के किसी पहाड़ के अंदर उगए मैं बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से मेरे को तो डर लग रहा है भाई यहाँ पे चलो 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 चलो, चलो फटाफट से बाहर निकलते हैं और कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ मैं आखिरकार अब कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई ओ ओ, ओ ए पहाड़ से जंप ही लगा दी मैंने डायरेक्टली ओके नीचे चलते हैं यार मेरे को ही नहीं रहा है इस पहाड़ पे डर लग रहा है मेरे को वापस जाना है मेरे को अपने घर जाना है मेरे को घर जाना यार, प्लीज, मेरे को घर जाने दो, कोई, प्लीज। है यार मेरे को रॉकेट की तरफ और चलते हैं उसके अंदर घर लेट्स गो लेट्स गो ओके अरे यार ये ग्रेविटी क्या है जिधर चाहू मैं उधर ही नहीं जा पा रहा है, ये रोवर का बच्चा और चल भाई आराम से अरे यार भाई ये रोवर चलाना बिल्कुल बच्चों का खेल तो है नहीं बहुत मुश्किल चीज है गाइज लिटरली में ईजी लगता है ये लो ग्रेविटी में बट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है यार इसे चलाने में मौसम अचानक से अरे हाँ देखो तारे वारे दिख रहे हैं भाई स्पेस के अंदर देखो वो देखो चांद भी दिख रहा है चांद से हम हम लोग चांद देख रहे हैं वेट एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड अबे मून तो वहां है तो मैं कहा हूँ अबे मैं तो मून पे जाने वाला था ना मून तो वहां है तो ये मैं कहा हूँ अरे यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई मून मैं 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 निकला था दस दिन पहले नहीं नहीं छः महीने पहले दस दिन के अंदर मून पे जाने के लिए बट लग गया इस छः महीने आने में मून तो हुआ है तो फिर मैं हूँ कहाँ पे ही सीरियसली मैं मैं अभी अर्थ पे ही हूँ क्या छः महीने से अर्थ पे ही हूँ मैं नहीं स्पेस में तो मैं कब का पहुँच गया और कब से ट्रेवल कर रहा है यार ये मेरा जो रॉकेट प्लेन जो भी है ये मून तो सामने है तो मैं फिर हूँ कहाँ इस वक्त आई हैव नो आइडिया भाई लिटरली आई हैव नो आइडिया एक सेकंड। छः महीने लगे मेरे को यहाँ तक आने में और मून पे जाने में दस दिन लगने वाले थे इसका मतलब ये जो मेरा रॉकेट है ये मून की बजाय मुझे किसी और ही जगह पे लेकर आ गया ये जिस हिसाब से यहाँ की सैंड और जिस हिसाब से ये प्लेटफॉर्म लग रहा है गायज रेड रेड कहीं ये मार्स पे तो नहीं लेके आ गया मेरे को आई हैव नो आइडिया भाई चांद तो आए अरे चांद तो सीरियसली मैं वहां है मैं मार्स पे आ गया भाई ओए नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो सकता तो मार्स की ग्रेविटी तो अलग होती है मून से काफी अलग होती है, बल्कि होती है। अरे क्या होता है तो कहाँ से आ गया और ये प्लेन का बच्चा मेरे को मार्स पे कैसे लेके आ गया जब इसको पता था कि हमें मून पे जाना है और सारी प्रोग्रामिंग इसके अंदर थी तो मैं मार्स पे कैसे आ गया भाई ये कैसे हो सकता है

अरे मैं सच में यहाँ पे बिना फ्यूल के क्या करूंगा भाई फ्यूल अगर इसमें नहीं है लॉस सेंटोस में साइंटिस्ट्स को पता भी नहीं है कि मैं मून की जगह मार्स पे पहुँच गया हूँ तो वो लोग हेल्प भी नहीं भेज पाएंगे प्लेन के अंदर फ्यूल नहीं है प्लेन को मैं वापस ले नहीं जा सकता और मैं अर्थ से छ महीने दूर मतलब अरे मेरा क्या होगा भाई मैं वापस कैसे जाऊंगा नहीं 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 बहुत ज्यादा गलत हो गया मेरे को वापस जाना है मेरे को घर जाना है मेरे मेरे को को वापस वापस जाना जाना है है भाई कोई हेल्प करो मेरे को वापस जाना है। अरे मेरे को घर जाना है भाई भाई कोई मदद करो करो हेल्प मेरे को घर जाना है अरे घर पे ही तो हो अब कौन से घर जाना है? है अरे हाँ यार घर पे ही तो हो और कौन से घर जाना है उठो ना वैसे भी सुबह हो गई है घर पे आ गए मैं अरे घर पे ही तो हो वेट वेट गायस हेलो अब अब गिर गया ओके वेट घर पे घर पे हूँ मैं अरे ये तो ये तो अर्थ है भाई अरे तो अर्थ से और तुम कहाँ पहुँच गए थे मार्स पे हाँ भाई लिटरली मैं मार्स पे पहुँच गया था कल क्या बकवास कर रहा भाई तू अबे हाँ भाई अबे चल चल फेंक मत भाई अरे सीरियसली मैं भाई तुम लोग विश्वास नहीं करोगे मैं मार्स पे पहुंच गया था अरे वो कैसे उड़ के हाँ भाई उड़ा के मतलब एक रॉकेट बनाया था साइंटिस्ट ने लॉस एंड के और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया भाई और उन लोगों ने मुझे उस रॉकेट में बिठाया और कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है सब कुछ प्रोग्राम और दस दिन के अंदर तुम मून पे पहुंच जाओगे तो तुम मार्स पे कैसे पहुंच गए यार वही तो एक्जेक्टली exactly मेरे को भी समझ में नहीं आया फिर उसके बाद दस दिन में मैं पहुंचने वाला था लग गए मेरे को छह महीने छह महीने बाद जब पहुंचा तो मेरे को लगा भाई मैं मून पे पहुंच गया मैं मस्त वहां घूम रहा था रोवर रो ओवर रो चला रहा था और तभी भाई मैंने आसमान में नोटिस किया कि चांद नजर आ रहा है अरे तो फिर क्या हो गया उसमें कौन सी बड़ी बात है मैं बड़ी बात थी भाई मैं खुद चांद पे जाने वाला था और यहाँ तो मेरे को ऊपर चांद नजर आ रहा है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई थी तब जाके मैंने नोटिस किया तो पता चला वहाँ की जो सैंड थी वो रेड कलर की थी और रेड प्लेनेट तो एक ही है मार्स इसका मतलब मैं छह महीने के अंदर मार्स पे पहुंच गया मून पे पहुंचने की बजाय कल भी फिर आ गया क्या हुआ बे फिर क्या यार अरे एलियन वेलियन मिले क्या वहां पे नहीं एलियन नहीं मिले लेकिन अजीबोगरीब भाई रोड वोड बने हुए थे फिर प्लेन वगैरह क्रैश हुए पड़े थे प्लेन नहीं मतलब स्पेस शटल आई गेस गाइज ये सपना था यार इसलिए वहाँ पे रोड और वो सीक्रेट सी टनल दिखी मेरे को मैंने रियल में पता नहीं मार्स पे मार्च तक तो गया कौन है कि किसी को पता होगा कि रियल में क्या है बट मैं तो सपने में पता नहीं क्या क्या देख के आ गया यार मार्स पे लिटरली मैं फुल मार्स का एक्सपीरियंस लिया उसको मून समझ के क्या बात करे यार हाँ भाई पूरे टाइम सपने में मैं मुझसे मून ही समझता रहा एंड में जब मार्स का पता चला तब तो मैं बहुत ज्यादा डर गया और तभी तो चिल्लाने लग गया कि मेरे को ले जाओ मेरे को घर वापस जाना है और तभी तुम लोगों ने नींद से जगा दिया थैंक यू भाई तुम लोगों ने नींद से जगा दिया वरना तो मैं मैं सच में गया था भाई मैं तो मार्स पे बेहोश हो जाता सपने में भी <laughs> फिलहाल तो को आज की वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो गाइस और बेल वाले प्रेस करके याद से नोटिफिकेशन ऑन कर देना पता नहीं है सपना क्यों आया पता नहीं क्या कल रात को ये लोग वो स्पेस और वो मून की बात कर रहे थे लॉस एंड की उसी वजह से शायद खैर जो भी हो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय